नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल हार्ड एंड डीप फिजिक्स विद हरदीप सर। अपने चैप्टर नंबर 9 चल रहा था, आपको बहुत अच्छे से पता है। और चैप्टर नंबर 9 जो चल रहा था उसके अंदर हम आपको पिछली क्लास जो है वो लाइव क्लास लगी थी, आपको बहुत अच्छे से पता है। और लाइव क्लास के अंदर हमने आपको तरंगों के गुणधर्म सारे करवा दिए थे। तरंगों के गुणधर्म पूरे होने के बाद आज के लेक्चर में हम आपको करवाने वाले हैं दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं इस चैप्टर के, जिसके अंदर हम बात करेंगे अपवर्तन और परावर्तन की। अपवर्तन और परावर्तन के बारे में करवाने वाले हैं। अपवर्तन को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन और परावर्तन को कहते हैं रिफ्लेक्शन। इन दोनों को समझने से पहले एक बात यहाँ पे क्लियर हो जाए कि अपवर्तन किससे होता है और परावर्तन किससे होता है, ये बहुत ज़रूरी है समझना। अपवर्तन हमेशा उसी सतह से होगा जो पॉलिश नहीं की हुई होगी। जैसे कोई भी हमने शीशा ले लिया, कुछ भी ले लिया, पृष्ठ ले लिया, उसको पॉलिश नहीं किया, आर पार जिससे दिखे, जिसके पारदर्शी माध्यम हो, ट्रांसपेरेंट मीडियम हो, उससे अपवर्तन होगा। परावर्तन हमेशा किससे होगा, जो सतह पॉलिश होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना, पॉलिश की हुई सतह होनी चाहिए, पॉलिश की हुई सतह। और यहाँ पर जब बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है पॉलिश की हुई नहीं, यानी कि पारदर्शी माध्यम की ज़रूरत पड़ती है अपवर्तन में। और परावर्तन में कैसा माध्यम होना चाहिए, परावर्तन में पॉलिश की हुई सतह होनी चाहिए। तो दोस्तों, अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप सब्सक्राइब करें चैनल, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, ये अपवर्तन और परावर्तन दोनों के बारे में हम आपको करवा रहे हैं कि अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन। अपवर्तन के अंदर क्या होता है कि सतह जो है वो पॉलिश नहीं की हुई होनी चाहिए। उससे पहले एक शब्द हमें समझना है, बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम स्मॉल एन से लिखते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है, देखो सीधी सी बात है, एक चीज़ समझ लेना कि सबसे ज़्यादा जो प्रकाश का वेग होता है, सबसे ज़्यादा वो निर्वात में होता है, और उसका मान होता है सी बराबर 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड। या आपको हम अपवर्तनांक की बात कर रहे थे, तो देखो अपवर्तनांक क्या होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग। आपको पता है निर्वात में वेग सर्वाधिक होता है, किसी भी माध्यम में जाओ वेग घटेगा। इसका मतलब सी बटा वी होता है एन। एन उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिस माध्यम में प्रकाश का वेग देख रहे हैं, तो एन होता है सी बटा वी। अब देखिए, सी हमेशा बड़ा है वी से, चूंकि हमें पता है, दोनों तरफ वी का भाग दे दो, तो सी बटा वी, वी बटा वी, वी बटा वी वन हो गया, सी बटा वी एन हो गया। एन हमेशा एक से बड़ा होगा, और एन हमेशा एक से बड़ा होगा जो आपको याद रखना है, कांच के लिए एन होता है 1.33, ये बहुत सॉरी 1.5, कांच के लिए याद रखना है। फिर आपको कोई पूछे पानी के लिए, पानी के लिए एन होता है 1.33 या 4/3, तो ये दो याद रखने हैं, कांच और पानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अपवर्तनांक का सारा क्या हो गया, खेल हो गया। तो अपवर्तनांक आपको समझ आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अपवर्तन के बारे में बताएंगे। अपवर्तन के अंदर क्या होता है, प्रकाश की जो किरण है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। आपका ये पढ़ा हुआ है 10वीं क्लास में, ये माध्यम फर्स्ट है, ये माध्यम सेकंड। ऊपर वाला माध्यम सघन भी हो सकता है, विरल भी हो सकता है। अब जिस माध्यम, जो माध्यम जितना सघन होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही ज़्यादा होगा, जो माध्यम विरल होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा। ये बात जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक हमेशा ज़्यादा होता है, विरल माध्यम का अपवर्तनांक हमेशा कम होता है। यहाँ पर बात कर रहे हैं अपवर्तन की, प्रकाश की किरण माध्यम एक से माध्यम दो में जाएगी। ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, ये जो होता है ये दोनों माध्यमों को अलग करने वाला होता है अंतराप्रस्थ। ये क्या होता है, अंतराप्रस्थ होता है, और इस अंतराप्रस्थ पे ये जो लाइन खींची हुई है ये होती है अभिलंब। ये क्या होती है, अभिलंब होता है, ये अंतराप्रस्थ और ये अभिलंब है। अभिलंब के ऊपर प्रकाश की किरण आके गिरती है, अभिलंब हमेशा 90 डिग्री पे होता है अंतराप्रस्थ से। जैसी प्रकाश की किरण आके गिरती है, दो घटनाएं हो सकती है, वो इस अभिलंब से ये जो किरण आ रही है इसको कहते हैं आपतित प्रकाश किरण,
ये आपतित प्रकाश किरण है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अभिलंब हो गया, और तीसरा जो यहाँ से ये बाहर जाएगी तो क्या होगा, ये अभिलंब के पास भी आ सकती है, अभिलंब से इस तरीके से बना दो दूर भी जा सकती है, दूर जल में आ रही है। और अगर ये विरल से सघन में आ रही है, याद रखना विरल से सघन में आ रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो यही बनेगा। तो अपवर्तन के अंदर आप लोग मेन मेन बात यही समझ लो कि जो प्रकाश की किरण जो क्या आएगी, सघन से विरल में आएगी, वो दूर हट जाएगी अभिलंब से, और जो विरल से सघन में आएगी वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। अब अपवर्तन के अंदर भी दो नियम है। अपवर्तन का पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, अभिलंब और ये वाली अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, ये आपको याद है। इसी तरीके से यहाँ आएगा, देखिए परावर्तन में भी ये अभिलंब होगा, अभिलंब को आर पार ले जाने की जरूरत नहीं है, अभिलंब होगा, प्रकाश की किरण आएगी ये आपतित होगी, ये आपको पता है आपतित प्रकाश किरण है, टकरा के वापस मुड़ जाएगी, ये परावर्तित होगी, ये परावर्तित होगी, ये कौन सी होगी, आपतित। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये जो कोण होता है आई, आपतन कोण होता है, इस कोण को कहते हैं आई, आपतन कोण। ये जो कोण होता है आर, ये होता है परावर्तन कोण। ये कोण आई इधर आपतन कोण ही रहेगा, लेकिन ये जो आर होगा ये हो जाएगा पारगमन कोण या अपवर्तन कोण। तो ये आपतन कोण अपवर्तन कोण, ये आपतन कोण परावर्तन कोण, ये चीज आपको क्या है बहुत अच्छे से क्लियर है। तो ये हो गया परावर्तन या अपवर्तन, तो परावर्तन का ये नियम पता चल गया आपको, इसी तरीके से अपवर्तन का, इसी तरीके से परावर्तन का नियम। अब दूसरा जो नियम उसमें क्या है, उसका नाम है स्नेल का नियम। दूसरा नियम जो है उसका नाम है स्नेल का नियम, और वो सीधी सी बात है, अगर इसका ऊपर वाला माध्यम है उसका अपवर्तनांक है N1, नीचे वाले का N2, तो स्नेल का नियम कहता N2 बटे N1 होता है साइन आई बटे साइन आर, बस इतना ही याद रखना है। N2 बटे N1 होता है साइन आई बटे साइन आर, ये किसका नियम है, स्नेल का नियम है। यानी कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है, ये रूल याद रखना है। पहला आपतन कोण, आपतित किरण, प्रकाश की, अभिलंब और अपवर्तित किरण एक तल में होते हैं, इधर भी यही है, पहला आपतित, परावर्तित और अभिलंब एक तल में होते हैं। दूसरा नियम N2 बटे N1 बराबर साइन आई बटे साइन आर, स्नेल का नियम, ठीक है। अब ये जरूरी थोड़ी है ये हवाई हो, ये पानी हो सकता है, ये नीचे वाला कांच हो सकता है, तो उस तरीके से है ना, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है वो ज्यादा सघन है, कांच पानी से ज्यादा सघन है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, पानी का 1.33 है, तो पानी जो है उसका अपवर्तनांक कम है, इसीलिए कांच सघन है पानी विरल है। अब यहाँ देखिए परावर्तन के अंदर, परावर्तन के अंदर भी वही है, दूसरा नियम क्या है, कोण का निशान है, कोण आई बराबर कोण आर, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, ये रिफ्लेक्शन परावर्तन का द्वितीय नियम है। तो ये आपके पास क्या हो गया, नियम का क्या होगा, दोनों चीजें क्लियर होगी, अपवर्तन और परावर्तन। मेन ये अपवर्तन लेंस में होता है, मैं लिखना भूल गया, या परावर्तन दर्पण में होता है, क्योंकि दर्पण में सतह पॉलिश की होती है। और अगला जो टॉपिक हमें इसमें पढ़ना है, अगला वीडियो जो बनेगा वो आपका दर्पण पर ही शुरू होगा, दर्पण का पूरा कंप्लीट आपके सिलेबस में है, पूरा लेंस है, ठीक है, तो दर्पण के ऊपर ही काम होगा, और प्रिज्म भी आपके सिलेबस के अंदर। तो ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से देखें, स्क्रीनशॉट लें, वीडियो अच्छा लगा हो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू वेरी मच।